कर्नाटक उत्तर कन्नड़ा जिला में नाफिज लॉकडाउन के अहकाम में एक बार फिर तरमीमात करके लोगों को एक हद तक मजीद छूट दे दी गई है। जिला डिप्टी कमिश्नर मुलय मुहिलन ने ऑनलाइन प्रेस मीट में नए जवाबित अहकाम का ऐलान करते हुए कहा कि अब से जरूरियात की खरीदो फरोख्त के लिए हफ्ते में दो दिन के बजाय चार दिन पीर मंगल बुध और जुमेरात को सुबह 8 से 12 बजे तक लोगों को बाहर निकलने की इजाजत रहेगी, लेकिन इस बीच आम शाहराओं पर सवारियों की आमद रफ्त को बिल्कुल मंजूरी नहीं दी जाएगी, जबकि जुमा शनिचर और इतवार को मुकम्मल तौर पर जिला में लॉकडाउन नाफिज़ रहेगा। डिप्टी कमिश्नर ने वजाहत करते हुए कहा कि हिस्बे मामूल दवाओं के लिए फार्मेसी की दुकानें हफ्ते के सातों दिन खुली रहेगी और साथ ही घर घर पहुंचकर दूध सप्लाई की सहूलियत पर भी पूरे हफ्ते में कोई रोक टोक नहीं रहेगी। ख्याल रहे कि इससे कबल हफ्ते में सिर्फ दो दिन मंगल और जुमे को ही सुबह 6 से 10 बजे तक लोगों को जरूरियात की खरीदो फरोख्त करने के लिए बाहर निकलने की इजाजत दी गई थी, लेकिन अब इसको तरमीम करके हफ्ते में मुसलसल चार दिन सुबह 8 से दोपहर 12 बजे तक इजाजत देने का ऐलान किया गया है। डीसी ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि छूट दिए गए अवकात में भी बिला जरूरत घरों से बाहर न निकला करें और कानून के खिलाफ वर्जी करते पाए जाने पर डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई करने का भी इंतबाह दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, साहिल ऑनलाइन न्यूज़।